ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक उलटफेर देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो उलटफेर रहा वो जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को हराना। क्वालिफायर से सुपर 12 में एंट्री पाने वाली जिम्बाब्वे ने इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। 2009 की वर्ल्ड चैंपियन टीम पाकिस्तान को एक रन से हराया जिम्बाब्वे की टीम ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ रहा पूर्व भारतीय कोच लालचंद राजपूत का। ये वही कोच हैं जिन्होंने टीम इंडिया को साल 2007 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया था T20 फॉर्मेट में। लालचंद राजपूत भारत के लिए 6 ही इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन कोचिंग में वो एक बड़ा नाम है। राजपूत क्वालिफायर तक टीम के साथ थे, लेकिन दिवाली के समय वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो घर वापस लौट गए। और राजपूत 2018 में जिम्बाब्वे की टीम के मुख्य कोच बने थे और तब टीम औसत से भी कम थी। 4 साल पहले ये टीम 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी थी। और राजपूत की असल में जिम्बाब्वे से जुड़ने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में भारत में अफगानिस्तान की टीम को कोचिंग दे रहे थे और वहाँ पर खुश थे वो कोचिंग देते हुए अफगानिस्तान की टीम को। और आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो भी अच्छी खासी टीम मानी जाती है। लेकिन देखिए, चीज़ें बदल गई तब जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी चाहते थे कि वो लालचंद राजपूत जूनियर वर्ल्ड कप की अंडर 19 राष्ट्र टीम तैयार करने के लिए काबुल आ जाए, लेकिन इसके लिए राजपूत जो थे वो राजी नहीं थे। वो बताते हैं एक इंटरव्यू में कि उन्होंने ACB से स्पेशली कहा था कि वो काबुल कभी नहीं जाएंगे, इसलिए जैसे ही उन्होंने जोर दिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मीडिया ने इस बात को कवर किया। एक हफ्ते के अंदर उनको फ़ोन आया जिम्बाब्वे के लिए और मुख्य कोच बनने की जो ऑफर है, जॉब ऑफर है, वो उनको पेश की गई। दैनिक भास्कर में छपी आर्टिकल के अनुसार अपनी टीम की जीत पर राजपूत कहते हैं कि टीम अब काफ़ी अच्छी बन गई है। उनका कहना है, जब मैं जुड़ा था तब टीम काफ़ी कमज़ोर थी और प्रदर्शन निराशाजनक था। हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। फिर हमने काफ़ी मेहनत की, टीम में युवा खिलाड़ी आए हैं और सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं, तो दोनों का मिश्रण काफ़ी अच्छा है। हमारी गेंदबाजी अच्छी हो गई है और हमने फील्डिंग पर भी काम किया है। पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि हमारी फील्डिंग और बॉलिंग कितनी शानदार थी और इसकी वजह से ही हमने मैच जीता। देखिए, नील जॉनसन, फ्लावर ब्रदर्स जो थे एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर, मरे गुडविन, पॉल स्ट्रैंग, हेनरी ओलोंगा और हीथ स्ट्रीक जैसे खिलाड़ियों के जाने के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट कभी पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाया। 2004 से 2007 के बीच बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद टीम का जो प्रदर्शन है वो गिरता गया, वहाँ का क्रिकेट बद से बदतर होता गया। 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी टीम, जैसे कि हमने आपको बताया, और इसी कारण सरकार ने वहाँ के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया और ICC ने जिम्बाब्वे को इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 महीने के लिए निलंबित, सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बाद राजपूत ने जो है हार नहीं मानी और इस थकी हारी जिम्बाब्वे टीम में एक नई जान फूंक दी। 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब आखिरी बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था और पहली बार ही टीम जो थी वो चैंपियन बनी, और तब से लेकर आज तक जो है भारत T20 वर्ल्ड कप में जीत नहीं दर्ज कर पाई है, यानी कि ट्रॉफी घर नहीं ला पाई है। लेकिन 2007 में आपको याद रहे, बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी थे, तजुर्बेदार खिलाड़ी थे, वो टीम में शामिल नहीं किए गए थे, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर। MS धोनी ने बतौर कप्तान पहली बार जो है भारत को ये वर्ल्ड कप जिताया था और तब कोच थे लालचंद राजपूत। और कोई तो ऐसा मंत्र है, कुछ तो सीक्रेट है जो कि लालचंद राजपूत ने इस बार जिम्बाब्वे के साथ भी शेयर किया है और इसलिए हमें ये करिश्मा जो है इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है।